हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत बंद के बीच एक्शन में सरकार। अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बातचीत मंगलवार शाम 7 बजे होगी। मालूम हो कि दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए उस समय बुलाया है जब देश भर में भारत बंद जारी है। भारत बंद का कई राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, तो कहीं ट्रेन सेवाओं को बाधित किया गया है। गृह मंत्री से बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम अभी सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं और वहां से गृह मंत्री से बातचीत करने के लिए जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। पिछले बैठक 5 दिसंबर को हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए थे। 5वें दौर की बैठक में भी किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से यस और नो में जवाब मांगा था। हालांकि सरकार कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जागरूक टीवी के लिए न्यू दिल्ली से खास रिपोर्ट।